जिस तरह डिंपल और पिंपल दोनों ही अलग चीज है, उसी तरह एंजाइना का पेन और हार्ट का पेन दोनों ही बहुत अलग चीज है। तो हाय फ्रेंड्स, मैं जयंत यादव स्वागत करता हूं आपको इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि आखिर जो हमारे दिल में दर्द उठ रहा है, जिन्हें दिल का दर्द नहीं उसको चेस्ट पेन बोलते हैं, ये किस वजह से हो रहा है। इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो पेन हमारे चेस्ट में हो रहा है ये एंजाइना की वजह से हो रहा है या फिर ये हार्ट अटैक का पेन है, कैसे हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो के लास्ट में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो में दी गई जानकारी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर एंजाइना और हार्ट अटैक में दोनों में डिफरेंस क्या होता है। बात करें अगर एंजाइना, एंजाइना एक ऐसी कंडीशन है जो कि हार्ट की डिजीज की वजह से होती है, ये एक आपका सिम्टम है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए जो हमारा हार्ट है इसमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, और क्योंकि हर सेल को क्या जिंदा रहने के लिए चाहिए, मुलाकात नहीं चाहिए, जिंदा रहने के लिए चाहिए होता है ऑक्सीजन। हर एक टिश्यू को चाहिए क्या, ऑक्सीजन, क्योंकि हमारा हार्ट भी हमेशा काम करता है, पंपिंग ऑर्गन है, उसको भी चाहिए ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाया हार्ट पे प्रॉपर, जिसकी वजह से कंडीशन डेवलप होती, जिसको हम लोग बोलते हैं इस्चीमिया, इसकी वजह से जो पेन डेवलप हुआ उसको हम लोग बोलते हैं एंजाइना का पेन। और हार्ट अटैक में क्या होता है दोस्तों, कि हार्ट अटैक में यही जो कार्डियक मसल है ये हो जाती प्रॉपर तरीके से डेड, यानी कि खत्म हो जाती है, और उसकी वजह से जो दर्द डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक का पेन। आखिर कैसे हम पहचानेंगे कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि एंजाइना में देखने को मिलता है और हार्ट अटैक में देखने को मिलता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, एंजाइना का पेन और हार्ट अटैक का पेन दोनों में जो सिम्टम्स होते हैं जनरली सेम होते हैं, तो इसलिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है डिफ्रेंशिएट करना कि ये जो पेन दर्द उठ रहा है हमारे सीने में ये एंजाइना की वजह से हो रहा है या फिर हार्ट अटैक की वजह से हो रहा है। क्योंकि जो चेस्ट में यानी कि सीने में होने वाला दर्द कभी कभी नॉन कार्डियक पेन भी होता है। नॉन कार्डियक पेन का मतलब जो कि हार्ट की वजह से दर्द नहीं हो रहा। ऐसी कौन कौन सी बीमारी या फिर सिम्टम या डिजीज है जिसकी वजह से हमारे जो चेस्ट में पेन होता है, बात करूंगा आपसे। एक है आपका जीईआरडी, जैसे गैस्ट्रिक इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज इसको बोलते हैं। कभी कभी खट्टा पानी हमारे मुंह में आता है जिसकी बर्निंग सेंसेशन महसूस होती है, जलन सी महसूस होती सीने में, उस वजह से भी जो सीने में दर्द होता है वो भी लोग सोच लेते हैं कि यार ये हार्ट अटैक तो नहीं। तो ऐसे बहुत सारी कंडीशंस है जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हार्ट अटैक का पेन है या एंजाइना का पेन है। मैं आपसे बात कर रहा था एंजाइना के पेन में। एंजाइना के पेन में आपकी छाती पे ऐसा महसूस होगा बहुत बड़ा पत्थर ला के रख दिया गया है, भयभीत प्रेशर महसूस होगा, और यही प्रेशर आपका हार्ट अटैक पे भी महसूस होता है। लेकिन जो समय होता है वो आपका हार्ट अटैक में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि एंजाइना में क्या है कि आपकी जो नसें हैं, आर्टरीज हैं, इसमें ब्लॉकेज होता है, ये कंप्लीट ब्लॉकेज नहीं होता। 50%, 60%, 70%, ये आपकी कंडीशन टू कंडीशन वेरी करती है, क्योंकि ब्लॉकेज आपका कंप्लीट 100% ब्लॉकेज नहीं है, तो ये जो पेन है कुछ समय बाद ठीक हो जाता है। और हार्ट अटैक का जो पेन होता है, क्योंकि 100% ब्लॉकेज हो चुकी है और जिसकी वजह से वहां की जो सेल वो क्या हो गई है, डेड हो चुकी है टिश्यू वहां की, और ये जो दर्द है एक बार शुरू हुआ तो बंद होने का नाम नहीं लेता है। तो ऐसे भी देखा जाता है कि एंजाइना का पेन है या फिर हार्ट अटैक का पेन है, इन दोनों में किसी भी तरीके का अगर चेस्ट में पेन हो रहा है, अगर आप कार्डियक पेशेंट यानी कि हार्ट के मरीज हैं या फिर नहीं भी हैं, अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप तुरंत इमरजेंसी का सहारा लें अपने आसपास के और डॉक्टर की सलाह लें। और कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि एंजाइना और हार्ट अटैक में देखने को मिलता है, बात करें कुछ लोगों में ऐसा महसूस होता है जी मचलाना, नौजिया और उल्टी के भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं बहुत सारे मरीजों में। और क्योंकि एंजाइना है, दर्द हो रहा है, इसकी वजह से एक्सेस स्वेटिंग, शरीर से बहुत ज्यादा पसीना निकलता है। और हार्ट अटैक में क्या होता है, आपका जो ब्लड प्रेशर है धीरे धीरे गिरता चला जाता है, 100 से कम होता चला जाता है। और अगर मैं बात करूं आपसे सिम्टम्स की, क्योंकि हार्ट में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, हार्ट से आने वाला पेन,
तो इस वजह से ज्यादा पेन की वजह से डेजीनेस महसूस होता है, यानी कि सर घूमने लगता है, चक्कर आने लगता है मरीजों को, और मरीजों को ऐसा महसूस होता है ये पेन अंदर से बाहर आ रहा है, बहुत ज्यादा फुलनेस या फिर टाइटनेस महसूस होती है उनके सीने में। तो ये कुछ सिम्टम्स, या फिर आप बोल सकते हैं कि हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि एंजाइना का पेन है या फिर हार्ट अटैक का पेन है। तो इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश की कि कैसे हम डिफ्रेंशिएट करें एंजाइना के पेन और हार्ट अटैक के पेन में। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।